कलयुग में सबसे चर्चित, प्रभावशाली तथा शीघ्र फल प्रदान कर देने वाले देवता हनुमान जी महाराज माने जाते हैं। एकादश रुद्र होने के साथ साथ में हनुमान जी महाराज को सभी बड़े देवी देवताओं की शक्तियां प्राप्त है, इसलिए वे बड़े ही ताकतवर और शक्तिशाली माने जाते हैं। और हनुमान जी की आराधना करने में हमें नियमों का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर नियम और संयम में किसी प्रकार की कोई गलती त्रुटि होती है तो हनुमान जी महाराज रुष्ट होकर के दंड भी दे देते हैं। इसलिए हनुमान जी की आराधना करने में किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं होना चाहिए। हनुमान जी महाराज के अनेक रूप हैं, उनमें से एक उनका जो रूप है जिसे कि वज्र रूप माना जाता है, जिसका सीधा संबंध बजरंग बाण का माना गया है। बजरंग बली हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बजरंग बाण का अवश्य पाठ करना चाहिए। विपत्ति चाहे कैसे भी हो, शत्रु चाहे कैसे भी हो, चाहे एक हो या अनेक हो, मगर जो साधक नित्य प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करता है उसका कोई अहित नहीं हो सकता है। मगर इसके दौरान जो व्यक्ति बजरंग बाण के एक से अधिक पाठ करता है, चाहे वह मंगलवार या शनिवार को करता है, चाहे वह नित्य प्रतिदिन करता है, तो उसके कुछ अलग ही लाभ बताए गए हैं। सबसे पहले आज आप जान लीजिए कि हनुमान जी की पूजा की विधि क्या होती है। देखिए, अपने इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए मंगलवार का दिन चुनना चाहिए। हनुमान जी का चित्र, एक अच्छी तस्वीर आपके सामने हो, यदि घर के आसपास मंदिर है तो अति उत्तम माना जाता है। बैठने के लिए कुशा का आसन प्रयोग करें। अगर कुशा का आसन नहीं बन पड़े तो ऊनी आसन प्रयोग कर सकते हैं। और जिस स्थान पर बैठ करके आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं वह स्थान शांत होना चाहिए और वहाँ का वातावरण भी शुद्ध होना चाहिए, और एकांत स्थान अति उत्तम माना गया है। और इसके साथ साथ सिंदूर, चमेली का तेल, लाल पुष्प, लाल कनेर के पुष्प, लाल वस्त्र, लाल कपड़ा, यह हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है, तो हमेशा हर मंगलवार को अपने साथ रखें। और इसके अलावा गुग्गल की धूप हनुमान जी महाराज को अति प्रिय है। जो गुग्गल की धूप होती है वह बाजार में पुरानी किराने की दुकान पर अवश्य ही आपको प्राप्त हो जाती है, जो कि गोंद के दानों के बराबर दिखने वाली होती है। उसको गाय के उपले या किसी कोयले के अंगारे के ऊपर रखकर उसका धुआं किया जा सकता है, जिससे कि वातावरण शुद्ध होता है, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ में धूप का होना अवश्य होता है। इसलिए गुग्गल की धूप आप अगर कर सकें तो करें, अन्यथा चमेली के तेल का दीपक जला दीजिए। तत्पश्चात आप हनुमान जी महाराज का आवाहन करें, जो कि इस प्रकार है। ओम अतुलित बल धामम हैमशैलाबदेहम धनुजमनकर्षाणम ज्ञाननामम गगण्यम सकलगुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। तत्पश्चात आप बजरंग बाण का पाठ आरंभ करें और कम से कम 11 पाठ आप करें। शुरुआती दिनों में साधक 2, 3, 5 करके इस प्रकार से नित्य प्रतिदिन पाठ की संख्या बढ़ा करके उसे 11 तक पहुंचा देना चाहिए। और इस प्रकार से यदि आप 11 पाठ करेंगे तो जिन भी शत्रुओं और विरोधियों के द्वारा आप प्रताड़ित और परेशान हैं तो अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा और उनसे छुटकारा प्राप्त होगा। और बजरंग बाण का नियमित पाठ करने से आत्मविश्वास और साहस में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा जो हृदय रोगी होते हैं उनको भी बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। जो स्वास्थ्य से कमजोर है, जिनको बीपी की परेशानी है, घबराहट की चिंता की परेशानी है, उनको भी सायंकाल में बजरंग बाण का अवश्य ही 7, 5 या 11 पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा जिनको
बच्चों को रात्रि काल में भय लगता है, नींद में बुरे स्वप्न आते हैं, या किसी प्रकार के रास्ते का भय रहता है या चोर भय रहता है, उनको भी भजन बाण का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। और यदि आप कोई साक्षात्कार इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो घर से निकलने से पूर्व 5 बार भजन बाण का पाठ करके अवश्य आप जाइए और आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को अवश्य ही बड़ी ही विनम्रता से सुनेगा और अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। और निरंतर लगातार बजरंग बाण का पाठ जैसे जैसे व्यक्ति करता जाता है, जैसे जैसे अगर उसका कोई व्यवसाय है, रोजगार है, तो उसमें उसको फायदा मिलता है, और उस व्यापार में बार बार हानि या घाटा हो रहा था, तो बजरंग बाण का पाठ लगातार करने से उसका हानि की भरपाई हो जाती है और धन आगमन भी होने लग जाता है। बुरी नज़र, बुरी टोक टोकार इत्यादि भी बजरंग बाण का पाठ करने से नष्ट हो जाती है, इसलिए बजरंग बाण को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अलावा जो व्यक्ति बजरंग बाण का नित्य 7 या 11 की संख्या में पाठ करता है, अवश्य ही उस व्यक्ति को 1.25 महीने के पश्चात में सिद्धि हासिल हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है, बशर्ते वह व्यक्ति हर प्रकार के नशे से दूर रहे। खासतौर पर शराब और मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग हनुमान जी की आराधना बजरंग बाण का पाठ तो करते हैं, मगर वह मंगलवार तो शराब नहीं पीते हैं और बाकी वार किसी भी वार को वह शराब पी लेते हैं। तो इस प्रकार से वह भी आपकी साधना में एक बड़ा व्यवधान है, त्रुटि है, और वह एक बड़ी भूल है। इससे हनुमान जी रुष्ट होते हैं। अगर बजरंग बाण के अंदर आपको कदम रखना है तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा, अन्यथा हनुमान जी के द्वारा आपको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मांस मदिरा का प्रवेश अपने घर में भी ना होने दें और नित्य प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें, और 1.25 महीने लगातार 11 पाठ करने से व्यक्ति को सिद्धि हासिल होती है, और आँखों से देखने मात्र से ही शत्रु से मुक्ति मिल जाती है। यानी कि उस व्यक्ति के ललाट पर ऐसा तेज विराजमान होता है कि अगर कोई कुदृष्टि डालता है, बुरी नज़र से देखता है या बुरा करने की सोचता है, तो तुरंत ही उसका खुद का ही बुरा हो जाता है, कुछ न कुछ उसके घर में या घर परिवार में या स्वयं के साथ में बड़ा अनिष्ट हो जाता है। इसलिए यह सिद्धि बड़ी ही ताकतवर और शक्तिशाली मानी गई है। शत्रु चाहे विदेश में ही बैठा क्यों न हो, इस पाठ की सिद्धि के पश्चात में उसे दंड दिया जा सकता है, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।